इंदौर शहर से कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने नामांकन वापस लेने के बाद बीजेपी की सदस्यता ले ली। इस दौरान बीजेपी कार्यालय में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मौजूद रहे। नामांकन वापस लेने के बाद अक्षय कांति बम ने कहा कि मैंने अपना रास्ता बदला है, सनातन संस्कृति और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। वहीं इस मौके पर कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस अब महात्मा गांधी वाली कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस मुस्लिम लीग से घिरी हुई है। हमारे सनातन धर्म के पूरे विश्व में प्रचार के लिए, एक संपूर्ण और अच्छा श्रेष्ठ भारत के लिए, हर वर्ग के विकास के लिए और समाज के, हमारा जो सनातन धर्म है उसके जो ध्वजारोहक है हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए। और मैंने मंजिल पे चलना जरूर शुरू करा था, बस थोड़ा सा रास्ता बदला है। जिस रास्ते पे राष्ट्रभक्ति के लोग हैं, जिस रास्ते पे स्वयं के लोग हैं, जिस रास्ते पे दलित लोग हैं, जिस रास्ते पे पिछड़ों के लोग हैं, जिस रास्ते पे जैनी हैं, बस अब उन सबके साथ चलना शुरू करा है और मंजिल की ओर अग्रसर है। आज उनके भारतीय जनता पार्टी पे प्रवेश पर मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार देश प्रगति कर रहा है, और ऐसे लोग भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं, वह कांग्रेस अरवन नक्सल वामपंथी मुस्लिम लीग के लोगों से घिरी हुई कांग्रेस, और इसलिए ऐसी कांग्रेस जिसके नेता पावर की समाधि पे तो जा सकते हैं पर भगवान राम के मंदिर में जाने से उनको परहेज। लोग कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, और जैसा अक्षय जी ने कहा कि वो सनातन परंपरा सुरक्षित रहे, कायम रहे, इसलिए आज वे हमारे परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। पर विधिवत रूप से शाम को 8 बजे अक्षय जी को भाजपा की सदस्यता प्रदान करेंगे।